सेल्स टैक्स या दूसरा नाम है इसका वैल्यू एडेड टैक्स, और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे VAT, वैट। अच्छा सेल्स टैक्स होता क्या है, नाम तो सुना है आप लोगों ने, सेल्स टैक्स का नाम तो सुना वही ना, क्या होता है टैक्स होता है, कौन लगाता है सेल्स में टैक्स, सेल्स में टैक्स होता है कौन लगाता है, अच्छा पाकिस्तान में इसको हम GST कहते हैं ना, जनरल सेल्स टैक्स। कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है, और पे कौन करता है, हम कौन मतलब कस्टमर या कंज्यूमर कह लेना, कस्टमर कंज्यूमर हो गया, आम आवाम, मैंगो मैन, मैंगो मैन आम आदमी, आम आदमी मैंगो मैन होता है। अच्छा तो टैक्स होता है जो सेल्स में लगता है, गवर्नमेंट लगाती है, पे कौन करता है, आम आदमी मैंगो मैन, मैंगो मैन। हाँ जो लंगड़ा होगा वो लंगड़ा लंगड़ा मैंगो मैन, सही। हाँ तो लंगड़ा मैंगो मैन हो जाएगा ना वो, ठीक है। अच्छा ये बताएं, ठीक है तो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, तो गवर्नमेंट के लिए तो हो गई इनकम, कंज्यूमर कस्टमर पे कर रहे हैं तो उसके लिए हो गया एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा हम किसे पे करते हैं सेल्स टैक्स, को देते हैं, हम किसे देते हैं, दुकानदार को, सप्लायर को देते हैं ना, हम जो कंज्यूमर है वो टैक्स किसको देता है, दुकानदार सप्लायर को, स्टोर वाले को, मार्ट वाले को देता है, जहां से हम गुड्स खरीदते हैं, ठीक है जी। तो हमने टैक्स दे दिया, अच्छा वो क्या करेगा उसका, अब वो क्या करेगा, दुकानदार स्टोर वाला मार्ट वाला वो गवर्नमेंट को पे कर देगा, ये होता है। हम पे करते हैं जहां से हम सप्लायर को देंगे, मतलब वो दुकानदार हो गए, स्टोर वाला, मार्ट वाला, वो जाके फिर गवर्नमेंट को पे कर दे, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ जो स्टोर सप्लायर है जी, इसमें नहीं, फुल आइटम्स पे नहीं होता है, वहां लगेगा, वहां भी नहीं लगेगा, सर्विस चार्जेस अलग चीज है ना, सेल्स टैक्स की बात नहीं होता, हाँ तब भी नहीं लगेगा, पैकिंग हो तो वो अलग होता है, जैसे आप दूध है खुला लेते हैं तो उसमें नहीं होता, डिब्बे वाला लेंगे उसमें होता है, झूठ बोलता है वो टैक्स बढ़ गया। ट्रक डिलीवरी, वो ट्रक में डिलीवर होता है ना, हाँ तो पेट्रोल तो लगेगा, भैंस पे तो टैक्स लग नहीं सकता, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो ट्रक में वो डिलीवर करते हैं तो पेट्रोल महंगा होता है तो वो रेट बढ़ जाता है, चारा चारा महंगा हो जाता है तो दूध महंगा हो जाता है, ठीक है। अच्छा तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट की इनकम हो गई, कंज्यूमर पे कर रहा है, कंज्यूमर का एक्सपेंस हुआ, और जो सप्लायर है वो चाहे दुकानदार है, स्टोर वाला है, होलसेलर है, उनके लिए क्या है, बिजनेसमैन के लिए क्या है, सप्लायर के लिए, जैसे दुकानदार स्टोर वाला मार्ट वाला उनके लिए क्या है, नहीं उनके लिए लायबिलिटी है, उनके लिए लायबिलिटी है ना, कि कंज्यूमर से जो टैक्स रिसीव किया वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, गवर्नमेंट को कौन बचाएगा, सप्लायर पहुंचाएगा, तो सप्लायर के लिए क्या बन गए, लायबिलिटी, कि कंज्यूमर से जो सेल्स टैक्स रिसीव किया अब वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सप्लायर है वो एक तरह से गवर्नमेंट का एजेंट हो गया, कि जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर कंज्यूमर से सेल्स टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, अब वो अलग ही पहुंचना मुझे जिम्मेदारी है उसकी। अच्छा तो एक पॉइंट हो गया, गवर्नमेंट की इनकम हो गई, कंज्यूमर का एक्सपेंस हो गया, और सप्लायर की लायबिलिटी हो, ठीक है। अच्छा अभी जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, टॉपिक हम पढ़ेंगे एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ना ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा ना कंज्यूमर के, टॉपिक हम पढ़ेंगे सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हाँ हाँ
एज अ बिजनेसमैन, तो हमारी लाइबिलिटी है कि जो टैक्स हमने कस्टमर से कंज्यूमर से रिसीव किया वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना है बस। ठीक, तो बिजनेसमैन के लिए ना ही इनकम है ना एक्सपेंस होगा, फिक्स लाइबिलिटी है। इसको लिख लेते हैं पहले, तो ये लिखे पहले जरा लिख ले। अब इसमें देखिए, इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द सप्लायर। अच्छा, लेवाइड के मीन क्या होते हैं? नहीं, चार्ज करना है। टैक्स चार्ज करने के लिए टर्म यूज होती है लेवाइड, लेवाई या लेवाई ना, लेवीड, लेवाई, टैक्स चार्ज करना। तो चार्ज कौन करता है? सप्लायर का, जब वो गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करेगा तो चार्ज। अच्छा, फिर एक पॉइंट है यहाँ लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट टैक्स भी होते होंगे। तो अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्ट डायरेक्ट गवर्नमेंट नहीं, ऐसा नहीं, डायरेक्ट मतलब इनकम टैक्स वो डायरेक्ट होता है, ये कहना चाह रहे हैं ना। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये तो एग्जाम्पल हो गए ना। हाँ, यानी कि वो टैक्स जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को दें या गवर्नमेंट डायरेक्ट पब्लिक से रिसीव करे, बीच में कोई थर्ड पार्टी ना हो, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच कोई थर्ड पार्टी ना हो, वो सारे डायरेक्ट कहलाते हैं। कि जो हम डायरेक्ट जाके खुद पे कर आए, जैसे कि आपका आपका गाड़ी का टैक्स होता है ना, ये सबको आइडिया होगा गाड़ी का टैक्स होता है, पता है? टैक्स जमा कराते हैं कहाँ जाके जमा होता है? सिविक सेंटर जाना पड़ता है, वहां गवर्नमेंट का ऑफिस है एक्साइज वालों का, वहां जाके आप पे करते हैं। अब ऑनलाइन का ऑप्शन भी आ गया है, ठीक है? तो गाड़ी का टैक्स हम डायरेक्ट खुद दे रहे होते हैं गवर्नमेंट, बीच में कोई थर्ड पार्टी, तो वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स होता है, अगर आपका अपना घर है तो उस पर भी आप टैक्स देंगे, गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट देना होता है। इसी तरह इनकम टैक्स होता है, वो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स वो हो गया जिसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर व्हीकल। अच्छा, अब ये क्या है? सेल्स टैक्स हम दे रहे हैं दुकानदार को, सप्लायर को, वो जाके देता है गवर्नमेंट को, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास थर्ड पार्टी आ रही है बीच में, इसलिए ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट ये है ना सेल्स टैक्स बस फिलहाल। अब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स टैक्स की दो टाइप्स होंगे, एक आउटपुट टैक्स और दूसरी इनपुट टैक्स। अच्छा, आउटपुट टैक्स क्या होता है? चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड, कि जो सप्लायर है जब वो गुड्स सोल्ड करेगा तो सोल्ड करते वक्त चार्ज करेगा कस्टमर से, तो वो कहलाएगा आउटपुट टैक्स। और इसकी नेचर क्या होगी? पेबल टू गवर्नमेंट, जो जो आपने टैक्स चार्ज किया और कस्टमर से रिसीव किया वो आपने गवर्नमेंट को पे करना है। अच्छा, देखिए, गुड्स सोल्ड करने से पहले हम किसी से बाय भी तो करेंगे, ठीक है? अब हम गुड्स सोल्ड करने से पहले बाय किसी से बाय करेंगे, अब जब वो हमें सप्लाई करेगा तो वो हमसे टैक्स चार्ज करेगा, वो टैक्स लगाएगा तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। जैसे हम एक दुकानदार है, रिटेलर शॉप है हमारी, ठीक है? हमने कस्टमर को गुड सेल की, टैक्स चार्ज करेंगे, वो तो हो गया आपका आउटपुट टैक्स, और ये बन गई हमारी लायबिलिटी कि अब हमने गवर्नमेंट को देना है। अच्छा, गुड सोल्ड करने से पहले हमने किसी से बाय भी तो की होगी, किसी होलसेलर से, किसी कंपनी से, ठीक है, डीलर से किसी से बाय की होगी। अच्छा, जब उससे गुड्स बाय करेंगे तो वो टैक्स चार्ज करेगा, ठीक है? वो हमें सेल कर रहा है जी, वो भी सेल्स टैक्स लगेगा। नहीं, जैसे हमने किसी कंपनी से गुड्स खरीद रहे हैं या किसी होलसेलर से, तो वो टैक्स चार्ज करेगा ना, क्योंकि वो हमें सेल कर रहा है, वो सेल करते हुए टैक्स चार्ज करेगा, तो हमें परचेज के टाइम पर देना पड़ेगा। होलसेलर से, हाँ, जैसे हम अब बताता हूँ अभी ना। अच्छा, अब हमने एज अ रिटेलर होलसेलर से गुड्स बाय की या कंपनी से गुड्स बाय की, तो उसमें हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, वो क्या रहेगा? इनपुट टैक्स। और ये होगा हमारे लिए रिकवरेबल,
आप बोले बताता हूँ, वो तो सब अभी बताऊंगा आगे। फिर तो सिर्फ ये डिफरेंस समझ में होते गए ना, इसकी एंट्री टी अकाउंट सब बनाएंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, रिकवरेबल। रिकवरी मतलब जो भी टैक्स हम परचेज के टाइम पर पे करेंगे वो हमें रिकवर होगा, क्योंकि अगर रिकवर ना हो तो वो तो हमारा एक्सपेंस बन जाएगा ना। अगर ये रिकवर ना हुआ ये तो हमारा एक्सपेंस बन जाएगा। अभी मैंने बताया कि ये एक्सपेंस किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, गवर्नमेंट की इनकम है। तो होता क्या है, जब हम गुड्स बाय करते वक्त जो टैक्स पे करेंगे वो जो हमने सेल करते वक्त चार्ज किया होगा उसमें से माइनस कर लेंगे। हाँ आपने समझाता हूँ, ये डिटेल में समझाता हूँ, पूरे एक फ्लो चार्ट बना हुआ उसका समझाता हूँ। पहला ये टाइम पर रखें, आउटपुट टैक्स पेबल है, इनपुट टैक्स रिकवर है। जो हम पे करेंगे वो हमें रिकवर होगा, हमें बेयर नहीं एज अ बिजनेसमैन नहीं निकल, हाँ वो इससे रिकवर कर लेंगे। जो हमने पे किया होगा आगे हम क्या करेंगे, कस्टमर से रिकवर करेंगे, हाँ उसको दे देंगे गवर्नमेंट कंपनी को, राइट। तो ये पूरा मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इसमें आपको समझाता हूँ, बेहतर समझ आएगा। पहला ये टाइम पर रखें, आउटपुट टैक्स पेबल है, इनपुट टैक्स रिकवर। पूरा एक सीक्वेंस इसका आपको समझा देता हूँ, और ये आपको हैंडआउट अभी मिल भी जाएगा थोड़ी देर में कॉपी होके। इधर आ आपके हाउस सेल्स टैक्स इज कलेक्टेड, तू फोटो कॉपी भी ले आना, कॉपी दिए वो भी ले लेना। परसेंट है नजर आ रहा है, लिखा हुआ नजर आ रहा है, इससे बड़ा बड़ा नहीं होगा। चले खैर अभी वो हैंड आउट आ जाएगा, देख लीजिएगा, समझा देता हूँ। अच्छा बताइए, गुड्स कंज्यूमर तक कैसे पहुंचती है, किन किन स्टेजेस से होकर, एक गुड प्रोडक्ट जो कंज्यूमर तक किन किन स्टेज, पहले मैन्युफैक्चर होगी मतलब फैक्ट्री में बन गई, फिर होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, फिर आखिर में बेचारा कंज्यूमर आ गया। अच्छा अगर मैन्युफैक्चरर से पीछे जाए तो रॉ मटेरियल सप्लायर भी होगा, ठीक है। मैंने स्टार्ट इसको किया रॉ मटेरियल सप्लायर से, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट कर, तो यहाँ पे देखिए जो रेट है वो तो हम यूज करेंगे 15%। हाँ अब जो सेल्स टैक्स का रेट है वो हर कंट्री में डिफरेंट होता है, और एक कंट्री में प्रोडक्ट वाइज रेट चेंज भी होता है। तो हम पाकिस्तान में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपना रेट होगा फिलहाल हम यूज कर रहे हैं 15%, बाकी जब क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो उसमें रेट मेंशन हो, तो रेट की टेंशन नहीं लेनी आप, ठीक है। रेट हमेशा गिवन होगा, कभी 10%, कभी 15, कभी 20, कभी 17.5, कुछ भी हो सकता है। तो रेट को आपने कैसे शुरू बनाना, तो यहाँ फिलहाल हम रेट यूज कर रहे हैं 15%। अच्छा हम स्टार्ट करते हैं रॉ मटेरियल सप्लायर। अब ये रॉ मटेरियल सप्लायर है तो ये लिखा हुआ प्राइस मेक आउट सेल्स टैक्स, मतलब बिफोर टैक्स। फिर इसमें सेल्स टैक्स हमने निकाला 15%, तो 40 का 15% बन गया सेल्स, और ये टोटल हो गया 14 सेल्स, ठीक है। अच्छा जो रॉ मटेरियल सप्लायर है ये जब मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा तो किस रेट पर देगा, 46 या 40 पे, फोर्टी सिक्स पे सेल कर देगा, ठीक है। जब ये रॉ कंपनी ने 46 पे करके रॉ मटेरियल खरीद लिया, अब ये इसके पास आ गया, तो रॉ मटेरियल कहाँ आ गया, मैन्युफैक्चरर के पास। प्राइस क्या थे 40, टैक्स था 46, टोटल पेमेंट हो गई 46। अच्छा अब ये मैन्युफैक्चरर ने इस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाए मैन्युफैक्चर की, और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद सेलिंग प्राइस रखी उसने 200, ठीक। अब 200 में उसने, अब 200 में वो किसको सेल करेगा, होलसेलर को सप्लाई करेगा, उस वक्त सेल करते हैं वो टैक्स चार्ज करेगा कितना, 15%। ये बन गया 30, टोटल हो गया 230। अब ये मैन्युफैक्चरर 230 में ये प्रोडक्ट
होलसेलर को सेल करेगा। अभी होलसेलर के पास गुड्स आ गई, 200 थी, 30 का टैक्स था, टोटल 230। अब ये होलसेलर के पास आ गए, यहाँ 230 में यहाँ पहुंच गई। अब होलसेलर क्या करेगा, 200 में अपना प्रॉफिट ऐड करेगा पहले, तो फिर रिटेलर को सेल करेगा। अब इसने 200 की प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखी, 320, मतलब 120 का प्रॉफिट हो गया। अब 320 सेलिंग प्राइस, अब उस पर टैक्स चार्ज करेगा 15%, 48 हो गया, टोटल बन गया 368। अब ये 368 पे ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगी रिटेलर के पास। अच्छा, अब रिटेलर के पास गुड्स आ गई, 320 की टैक्स था, 48, टोटल 368 हो गया। अब ये रिटेलर क्या करेगा, अब अपना अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। उसने प्रॉफिट ऐड करके प्राइस रखा 480। हाँ, अब ये 480 में कंज्यूमर को सेल करने से पहले टैक्स लगाएगा 15%, 72, टोटल प्राइस हो गई 552। ये 552 में कंज्यूमर को, कस्टमर को बेच देगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है जी। आप बोलिए रिटेलर 320 में, फिर इसने सेल की 480 में, तो टैक्स लगा दिया 552 हो गए, मतलब 200 से कहां पहुंच गया प्राइस 552 में। और ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली नहीं, नहीं। अच्छा आप ये बता दो बातें नहीं, अच्छा ये ठीक है, समझ आया हो। अच्छा ये बताएं फाइनल प्राइस कितने, 552। इस 552 में सेल्स टैक्स कितना इंक्लूड है, 72 का, सिर्फ 72 ज्यादा थोड़ी होता है। हाँ, अब आप देख रहे हैं कि 200 से ये प्राइस कहाँ पहुंचे, वो तो ऑफिस की तरफ था ना यार, उसको तो छोड़ दे, 200 से कहाँ पहुंचे 552। तो ये किसकी वजह क्या बनी, टैक्स 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 नहीं बनी, इसके बाद है प्रॉफिट। टैक्स तो सिर्फ 72 है, बाकी सारा प्रॉफिट है 300 का। कैसे देखें, यहाँ 200 थे, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है, 200 से 320 हो गए टैक्स इंक्लूड, टैक्स तो बाद में ऐड हो रहा है ना, 320 से 480 हो गए टैक्स इंक्लूड नहीं है, 480। अब टैक्स इंक्लूड हुआ 72, ये बन गया 552। तो टैक्स तो सिर्फ 72 का है, असल में प्रॉफिट की वजह से प्राइस बढ़े, प्राइस प्रॉफिट की वजह से बढ़े, ठीक है। इसी में समझ आया क्या इनका, कहां पे ये बताता हूं मैं क्यों लिखा। अब यहां पे 18 है, ये 24 लिखा, ये बताता हूं ये क्यों लिखा। ये तक सीख में समझ आ गया, कौन किस तरह चार्ज कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, सब हो गया, ठीक। अच्छा, अब आते हैं कि गवर्नमेंट को, अच्छा कितना टैक्स पहुंचेगा, अच्छा ये बताएं पहले गवर्नमेंट को कितना टैक्स पहुंचना चाहिए, 72, क्योंकि कंज्यूमर ने 72 पे किया तो गवर्नमेंट को भी 72 मिलेगा। कैसे मिलेगा, अब बताता हूँ कौन कैसे कितना पे करेगा। अब हम चलते हैं रिवर्स में, रिटेलर से चलते हैं। देखिए रिटेलर ने गुड्स सेल करते वक्त टैक्स चार्ज कितना किया, ये हो गया इसका आउटपुट टैक्स पेबल। खरीदते वक्त पे कितना किया था, ये जो 48 उसने पे किया इसको वापस मिलना चाहिए नहीं, क्योंकि अगर ये 48 इसको ना मिला तो ये इसका उसकी कॉस्ट बन जाएगी ना, एक्सपेंस बन जाएगा। और अभी हमने कहा कि ये तो कंज्यूमर के लिए एक्सपेंस होता है, तो ये 48 क्या होंगे, रिकवरेबल। अब ये रिटेलर क्या करेगा, 72 में से 48 माइनस कर लेगा, अपने जेब पर रख लेगा, रिकवर कर लेगा, एक्सेस अमाउंट 24 गवर्नमेंट को दे देगा, सही है। 72 चार्ज किया आउटपुट टैक्स, 48 पे किया था इनपुट टैक्स माइनस करके, गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 24, ठीक है। तो इसका जो टैक्स अकाउंट है वो क्लोज हो गया, खत्म। इसके ना कोई इनकम हुई, ना कोई एक्सपेंस हुआ, ना कोई लॉस हुआ, ना प्रॉफिट, कुछ नहीं,
एक्सेस अमाउंट था गवर्नमेंट को दे दी, तो पे किया था वो रिकवर कर लिया, एक्सेस अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो इसके ऊपर टैक्स का कोई बर्डन नहीं है ना कोई इनकम हुई। अच्छा गवर्नमेंट के पास आ गए 24, कैलकुलेटर पे लिख लेना गवर्नमेंट के अकाउंट में कितने आए 24 और इस पूरे 24, और दुकानदार का अकाउंट क्लोज हो गया। ऊपर आते हैं, अब ये होलसेलर ने सेल करते वक्त चार्ज कितना किया 48, परचेज करते वक्त पे कितना किया था 30, तो ये क्या करेगा, हाँ 48 में से 30 रिकवर कर लेगा, एक्सेस अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देगा। हाँ अब गवर्नमेंट के अकाउंट में 18 और आ गए, अभी ऐड कर ले 24 में 18 ऐड कर ले, और इसका टैक्स अकाउंट क्लियर हो, क्लोज हो गया, टैक्स ना तो कोई एक्सपेंस था ना उसकी इनकम हुई, ठीक ऐड किया थी। और ऊपर आते हैं, मैन्युफैक्चरर ने सेल करते वक्त चार्ज कितना किया खरीदते वक्त पे कितना किया था टैक्स, अब ये 13 में से 6 रिकवर कर लेगा, एक्सेस अमाउंट 24 गवर्नमेंट को पे कर दे, तो गवर्नमेंट क्या इनडायरेक्ट है ना, ये डायरेक्ट थोड़ी है, अब देखो ना ये इनडायरेक्ट ही जा रहे टुकड़ों में जा रहे, कंज्यूमर ही देगा ना। हाँ तो इससे शुरू मैंने क्या बताया, गवर्नमेंट की इनकम कस्टमर का एक्सपेंस, तो हम ही बेयर करेंगे ना सारा, ये तो रिकवर कर लेंगे, हाँ इनका अकाउंट जीरो हो जाएगा ना, इनके लिए एक्सपेंस होगा ना इनकम होगी, जीरो पे आ जाएंगे, तो हमारा सारा सारा बटन किस पे आता है, कंज्यूमर पे, गरीब पे, मैंगो मैन बेचारा, इसलिए मैंने शुरू में बेचारा कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, सारा बटन कौन उठा रहा है, कंज्यूमर, इसका अकाउंट जीरो हो गया, इसका जीरो हो गया, इसने रिकवर कर लिया 24 दे दिया, ऐड कर रहे 24 सही। अब इधर आ जाए सब रॉ मटेरियल वाले पे, ने चार्ज कितना किया और एक के बाद पे कितना किया था, उसके पीछे कौन है, कोई भी नहीं है, तो इसने तो कुछ भी नहीं दिया, जीरो, तो ये रिकवर कितना करेगा, जीरो, तो पूरे शेयर के शेयर गवर्नमेंट को पे कर देगा, तो इसका अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब ऐड करें एग्जैक्ट 72 बन रहा है, तो इस तरह होता है, तो जितना टैक्स कंज्यूमर पे करता है उतना ही गवर्नमेंट को मिल जाता है, गवर्नमेंट की इनकम कंज्यूमर के एक्सपेंस बाकी सबके अकाउंट जीरो सब रिकवर, ठीक है। बस ये इनके लिए सिर्फ क्या है, लाइबिलिटी है, हाँ वही तो शुरू बताया ना मैंने आपको, अच्छा पेयर कौन करेगा, कस्टमर, अब ये क्लियर हो गया, ठीक हाँ बिल्कुल ऐसा ही, क्या ये क्या, हाँ ये इसके लिए कस्टमर, ये इसके लिए कस्टमर है, अब ये रॉ मटेरियल वाले का कस्टमर कौन है, ये उसका कस्टमर कौन है, ये इसका कस्टमर कौन है, हाँ इसका सप्लायर कौन, ये इसका सप्लायर, ये इसका जाने की जरूरत वो, उसको छोड़ दो बात, ये ले लेते वो लंबे अलग काम, ठीक है वो तो ऐसे ही है, बल्कि नॉर्मली ऐसे नहीं होता है। अच्छा ये तो एक प्रॉपर सीक्वेंस है, ये है तो एक प्रॉपर सीक्वेंस है, कौन कितना चार्ज कर रहा है, कौन कितना पे करता है। अच्छा नॉर्मली होता क्या, यहाँ पर आप देखा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका प्राइस लिखे होते हैं ना, लिखा होता है रिटेल प्राइस प्लस सेल्स टैक्स, प्राइस कौन प्रिंट करता है, मैन्युफैक्चरर, होता है क्या नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरर वही टैक्स ले लेता है पूरा और वही जाके गवर्नमेंट को पे कर देता है, इन लोगों को जरूरत नहीं, लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस ही हो, क्योंकि खास तौर पर अगर दुकानदार की बात करें तो दुकानदार के पास रिकॉर्ड कहाँ होता है, हमारे जो दुकानदार है हमारे वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, फिर तो वो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो होता है क्या नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरर वही पूरा टैक्स रिसीव करके गवर्नमेंट को पे कर देता है, फिर इन लोगों को पे करने की जरूरत नहीं नहीं, ठीक है ओके। तो अब ये चीज क्लियर हो गई, आपको इनपुट आउटपुट समझ आ गया। अच्छा ये हैंडआउट दिया हुआ है, इसको जरा एक बार रीड कर लें हम, तो हमने अच्छा ये आपको समझ आ गया ना, कैलकुलेशन किस तरह होगी ना, तो ये जो हमने पेबल अमाउंट निकाले ना सारे, ये कैलकुलेट हुआ 6, 24, 18, 72, ये कैलकुलेट कैसे किया हमने,
आउटपुट में से इनपुट माइनस किया, जो चार्ज हो रहा है आउटपुट माइनस इनपुट तो ही आया ना, आउटपुट माइनस इनपुट पेबल आया, आउटपुट माइनस इनपुट पेबल आया ना। कहाँ 15 की जगह 20% होता तो 20% लेते हैं, उसमें क्या है, जितना परसेंट दिया होगा उतना परसेंट चार्ज करेंगे। अच्छा तो अब इसको कैलकुलेशन को फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, सेल्स टैक्स पेबल प्लस रिकवरेबल, हाँ बोल रहे पेबल माइनस रिकवरेबल, चलो तो क्या हो जाएगा, या आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये फॉर्मूला टैक्स पेबल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था, मतलब आपने एज अ बिजनेसमैन आपने गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, ये उसका फॉर्मूला आ गया। आउटपुट में से इनपुट माइनस करेंगे तो पेबल आ गया। अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज लिखना बताता हूँ, पेबल तो समझ में आ गया कि हमने एज अ बिजनेसमैन गवर्नमेंट को पे करना है, तब यहाँ लिखा रिकवरेबल या रिफंडेबल। अब ये क्या मतलब हुआ कि अब हमने हमें देने है। हाँ देखिए, अगर आपका आउटपुट टैक्स ज्यादा है, चार्ज आपने ज्यादा किया और इनपुट का में पे आपने कम किया है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ये हो जाएगा पेबल कि आपने जो एक्सेस अमाउंट है गवर्नमेंट को देनी है। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में था, इसमें सबने क्या था, आउटपुट टैक्स ज्यादा था इनपुट कम था, आउटपुट ज्यादा है इनपुट कम, आउटपुट ज्यादा है इनपुट कम, तो सबका आंसर क्या आ गया, पेबल। इस सब सिचुएशन में इन तमाम बिजनेसमैनों को गवर्नमेंट को पे करना। हाँ अगर ऐसा हो कि आपने परचेज करते हुए ज्यादा पे किया और सेल करते हुए कम चार्ज किया, अच्छा आप ये, हाँ तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव में। अच्छा ऐसा कब हो सकता है कि अगर आपकी परचेज सपोज किसी मंथ में ज्यादा रही और किसी वजह से सेल आपकी कम हुई, ठीक है, जैसे आपने परचेजिंग कर ली, परचेज आपने कर लिया स्टॉक, इनपुट टैक्स पे कर दिया, लेकिन किसी भी वजह से सेल्स आपकी कम रही, जैसे स्ट्राइक हो गई, आप बीमार हो गए, ये बारिश वगैरह हो गई, या जैसे अभी बीच में इलेक्शन आए थे, क्लासेस वो सब ऑफ हो गया था, ठीक है ना, तो किसी भी वजह से एक्स वाई जेड आपकी सेल्स कम रही, अब सेल कम होगी तो आउटपुट टैक्स कम मिलेगा आपको, ठीक है। अब आउटपुट जब अगर कम होगा और इनपुट ज्यादा होगा तो आंसर आएगा नेगेटिव में, तो वो कहलाएगा फिर रिकवरेबल, ठीक है। ये जो आपका जैसे अब यहाँ पे 72 की जगह सपोज कर लें, यहाँ लिखा होता है 22, 72 की जगह सपोज यहाँ लिखा हुआ है 722, 22 में से आप 48 माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, उसका मतलब जो आपने पे किया वो फुली रिकवर नहीं हुआ, मजीद आपको रिकवर करना, वो कहाँ से रिकवर होगा फिर, अब अगले महीने फिर आप जब सेल करेंगे उसमें से रिकवर हो जाएगा। अच्छा दो ऑप्शन होते हैं रिकवर करने के लिए, अगर आपकी सेल्स कम है परचेज ज्यादा है तो इनपुट टैक्स ज्यादा होगा, आउटपुट टैक्स कम, आंसर आएगा रिकवरेबल। अब वो रिकवर कैसे करेंगे फिर, अगर हम जब नेक्स्ट मंथ सेल्स करेंगे तो उसमें से रिकवर हो जाएगा, सही। अच्छा एक चीज और होती है कि अगर आपने जैसे, हाँ वो तो आप सेल्स में से नेक्स्ट मंथ की रिकवर कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर रिकवर ना हो फिर क्या करेंगे, फिर हम गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करेंगे, फिर गवर्नमेंट हमें रिफंड करेगी, बिल्कुल होता है, और एक सिचुएशन में तो रिफंड हमेशा रिफंड ही होता है,
अब वो कौन सी एग्जाम्पल बता रहे, सिचुएशन क्या है? अगर आप एक एक्सपोर्टर हैं, आप एक एक्सपोर्टर हैं, आपने एक लोकल मैन्युफैक्चरर से गुड्स मैन्युफैक्चर करवाई, पैक किया और एक्सपोर्ट कर दी। अच्छा, उसमें क्या होता है, जब आप गुड्स बाय करेंगे मैन्युफैक्चरर से तो आप उसको टैक्स देंगे, तो वो तो हो जाएगा इनपुट टैक्स। अच्छा, जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे उस पर टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट्स पर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, ये रूल है। एक्सपोर्ट पे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होता, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको आने एक एक्सपोर्टर है, आपने गुड्स परचेज कर ली, टैक्स पे किया, उसके बाद आपने एक्सपोर्ट्स कर दी, तो उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा, तो आउटपुट टैक्स आपका क्या हो जाएगा? जीरो। आंसर क्या आएगा? नेगेटिव, रिकवरेबल, रिफंडेबल। अभी रिकवर कैसे होगा? नहीं, क्योंकि आप तो एक्सपोर्टर हैं, आप खरीदेंगे एक्सपोर्ट करेंगे, खरीदेंगे एक्सपोर्ट करेंगे, तो आप सिर्फ परचेज के टाइम पर पे करते रहेंगे, एक्सपोर्ट के टाइम पे चार्ज नहीं करेंगे, तो आउटपुट हमेशा आपका जीरो रहेगा ना, ये तो कभी भी रिकवर नहीं होगा। एक्सपोर्ट के केस में इनपुट टैक्स कभी भी रिकवर नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमेशा आपका आउटपुट जीरो ही आएगा। अब क्या करें फिर? हाँ, फिर वो हम गवर्नमेंट से रिफंड देंगे। फिर ये होता है, एक्सपोर्टर जो होता है वो गवर्नमेंट को क्लेम करता है, गवर्नमेंट से फिर रिफंड लेता है, फिर गवर्नमेंट उसको रिफंड करती है, ठीक है। अच्छा, अब गवर्नमेंट रिफंड करती है, बिल्कुल करती है, वो अलग बात है, कुछ चाय पानी देना पड़ता है। हाँ, और रिफंड करने में गवर्नमेंट को कोई लॉस नहीं होता, ये भी बता दो, रिफंड करने में कोई लॉस नहीं होता, क्योंकि देखिए हम एक एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट हमने मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदी, टैक्स पे किया, तो वो क्या करेगा उस टैक्स का? गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट क्या करेगी? हमें रिफंड कर देगी, तो हमारा एक पे किया हुआ टैक्स घूम फिर के हमें रिफंड हो जाएगा, तो इसमें गवर्नमेंट को भी कोई लॉस नहीं होता, इसलिए रिफंड करती है गवर्नमेंट। आवाज नहीं? हाँ, बातें नहीं, दोबारा बोले, टैक्स जरूर ज्यादा होता, लेकिन उसमें एक फायदा, एक्सपोर्ट में ज्यादा एक बेनिफिट होता है, डॉलर ज्यादा होता है फॉरेन एक्सचेंज, वो भी जरूरी होता है ना मुल्क के लिए, क्योंकि जब कोई चीज हम इम्पोर्ट करेंगे तो उसकी पेमेंट हम करते हैं डॉलर्स में, तो डॉलर कहाँ से आएंगे? एक्सपोर्ट करके, फिर तो वो भी एक जरूरी है। इम्पोर्ट पे होता है सेल्स टैक्स, एक्सपोर्ट पे नहीं होता। कोई भी चीज इम्पोर्ट करेंगे उसमें हमें टैक्स देना पड़ेगा, अगर हम कोई आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पर टैक्स चार्ज नहीं, ठीक, वो भी गवर्नमेंट रिफंड कर देगी, उसके लिए इनपुट हो गए ना, इम्पोर्ट हो गए, इससे चार्ज करेगी वो जो भी कर देना है वो। हाँ, चाय पानी लेके तो सब कुछ हो जाता है ना,